अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल देसी मसल्स। दोस्तों आज इस वीडियो में सेकंड डे वर्कआउट प्लान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक ही एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करने से बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते और आपको आपकी एफर्ट के वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं। एक ही मसल ग्रुप को बार बार हिट करने से रिकवरी नहीं होती। ड्यूरिंग वर्कआउट आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं रहते और आप अपने वर्कआउट में फिजिकली टायर्ड फील करते हैं, इसलिए वर्कआउट को प्लान करना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए पूरे वीक का वर्कआउट चार्ट बनाया है जिससे आपको किस दिन कौन सा वर्कआउट करना है समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने अपने फेसबुक के पेज का लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप अपना वीकली वर्कआउट चार्ट देख सकते हैं। दोस्तों मेरे पेज को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड डे वर्कआउट प्लान। फर्स्ट स्ट्रेचिंग, सेकंड पुलअप्स एंड पुशअप्स। दोस्तों स्ट्रेचिंग, पुशअप्स एंड पुलअप्स से रिलेटेड बेनिफिट्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में इसकी बात नहीं कर रहा। थर्ड इंक्लाइंड बेंच प्रेस। दोस्तों आज के प्लान में हम चेस्ट के अपर मसल्स को हिट करेंगे। बिल्कुल प्रीवियस वर्कआउट प्लान की तरह वर्कआउट स्टार्ट करते वक्त पहला सेट हाई नंबर ऑफ रैप्स से और फिर सेट्स में और फिर सेट बाय सेट वेट इंक्रीज करेंगे। फिफ्थ वन आर्म डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। चेस्ट के अपर मसल्स के बाद आर्म्स पर वर्क करेंगे। दोस्तों ये याद रखें जब भी बढ़ेगा वेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ रैप्स नहीं बढ़ेंगे, इसलिए जब आप एक सेट में वेट के साथ 15 और मोर देन 15 रैप्स निकाल पाएं तो नेक्स्ट सेट में वेट इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 kg से 10 टू 12 के बजाय 15 टू 18 रैप्स निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब नेक्स्ट सेट में आपको 5 के बजाय 6 और 7 kg वेट से वही एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। दोस्तों बॉडी एक ही दिन में नहीं बन जाती, इसके रिजल्ट्स आपकी एफर्ट और डाइट प्लान पर डिपेंड करते हैं। जिम में 45 मिनट्स टू 1 आवर टोटल टाइम में अपना वर्कआउट कंप्लीट करने की कोशिश करें। रेस्ट 40 टू 60 सेकंड से ज्यादा मत दें क्योंकि ज्यादा रेस्ट करने से आपके रिजल्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों अपने वर्कआउट्स में सही टेक्निक यूज करें, रॉन्ग टेक्निक से इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए अपने जिम इंस्ट्रक्टर की हेल्प लें। दोस्तों मेरी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें फर्स्ट डे वर्कआउट प्लान एक्सप्लेन किया गया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक्टिव करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा।